अब देवघर वासियों के सुनहरे सपने जल्द ही उड़ान भरेंगे। देवघर वासियों की आस थी कि देवघर में भी प्लेन उड़े और ये सपना अब जल्द पूरा होने वाला है। बाबा वैद्यनाथ की नगरी से अन्य शहरों के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। देवघर एयरपोर्ट लगभग तैयार है, देखिए रिपोर्ट। देवघर पूरी तरह से तैयार हुआ एयरपोर्ट, 2500 मीटर का रनवे तैयार, देवघर एयरपोर्ट टर्मिनल भी तैयार, सुरक्षा के लिए भी पुख्ता व्यवस्था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी तैयार। 25 मार्च 2018 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। अब बस इसे फाइनल टच दिया जा रहा है और इसके बाद बहुत जल्द 180 यात्रियों की क्षमता वाला इंडिगो, स्पाइस जेट जैसे कई विमान यहाँ से उड़ान भरेंगे। पोर्ट है, फैसिलिटी सिक्योरिटीज का वो हम जल्दी जल्दी पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी काम हो चुका है और बिल्कुल फिनिशिंग टच पे कर रहे हैं। हमारा एक पहले मापदंड पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जो भारत सरकार उसके बाद ही डिसीजन होता है कि कब कैसे स्टार्ट करना है। बाबा बैजनाथ भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ पे काफी तीर्थ यात्री आने वाले हैं और रिखिया है और तपोवन है, साथ में पारसनाथ है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि 12 डिस्ट्रिक्ट से लोग इसको यात्री यहाँ पे आएंगे। देवघर के लिए तो ये सपना सच होने जैसा है। रनवे से सिर्फ फ्लाइट ही टेक ऑफ नहीं होगी बल्कि लोगों की सपनों की उड़ान भी यही होगी। एयरपोर्ट चालू हो जाने पर देवघर वासियों को, समूचे संथाल परगना के वासियों को, बाबा बैद्यनाथ के भक्तों को, यहाँ के व्यवसायी वर्ग को बहुत ही बढ़ावा मिलेगा, उनके व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर भी यहाँ पर आएंगे। लोगों को जो पहले जाने में, मुंबई वगैरह जाने में जो एक्स्ट्रा टाइम लगता था, वो समय का भी बचत होगा। तो इंतजार है फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हरी झंडी का। जनवरी तक इसकी शुरुआत की संभावना है, तो दिल थाम कर बैठिए, देवघर भी उड़ने वाला है बहुत जल्द। न्यूज 11 भारत के लिए देवघर से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।